हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिमी। स्वागत है आपका हिंदुस्तानी ब्लॉगर सिमी की रसोई में। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इडली, स्टफिंग इडली, जो मैंने सांभर और मूंगफली चटनी के साथ सर्व की है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसे कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर राइस इडली का पैकेट लिया है। और यहाँ पीछे सब कुछ दिया गया है, जिस तरह से इसे हमें बनाना है, जिस तरह से इसका घोल तैयार करना है। इसमें कुछ भी अलग से नहीं डालना, सिर्फ हमको दही डालना है अलग से, और इसका इडली का बैटर तैयार हो जाता है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल लिया है। अब इसमें हम इडली का सारा मिक्सचर डाल देंगे। और इसे चम्मच से चलाकर हम बीच में दही डालेंगे। मैंने यहाँ पर एक कटोरी दही ली है। दही हल्की सी खट्टी होनी चाहिए। मैं दही को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। हमें इसमें अलग से कुछ भी नहीं डालना, हम ईनो वगैरह नहीं डालेंगे। हमारी इडली ऐसे ही बहुत ही स्पॉन्जी बनकर तैयार होगी। हम इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तब तक हम अपना आलू का मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर स्टफिंग इडली बनाएंगे। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गर्म मसाला, करी पत्ता, कद्दूकस किया हुआ अदरक, बारीक कटी हुई लहसुन, और मैंने यहाँ पर जीरा और राई लिया है तड़का लगाने के लिए, बारीक कटी हुई हरी धनिया। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को छोटे से कट कर लिया है। तो कढ़ाई भी हमारी गर्म हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। डालेंगे इसमें सरसों का तेल और तेल को गर्म होने देते हैं। इसमें तड़के के लिए डालेंगे हम राई और जीरा, इसको अच्छे से तड़कने देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटे हुए लहसुन, कद्दूकस की हुई अदरक, बारीक कटी हुई प्याज, करी पत्ता। अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी इडली तैयार कर सकते हैं बिना स्टफिंग के, लेकिन मैं यहाँ पर आज स्टफिंग इडली बनाऊंगी, जो मेरे घर पे सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो प्याज को मैंने भून लिया हल्का गुलाबी होने तक। अब इसमें डालेंगे हम अपने मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला।
आलूओं को मैंने उबाल कर पहले से ही कद्दूकस कर लिया था। तो अब डालेंगे हम अपना कद्दूकस किया हुआ आलू, थोड़ा थोड़ा करके हम आलू डालेंगे। अब आलूओं को हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी स्टफिंग इडली बनकर तैयार होती है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। और झटपट बनने वाला नाश्ता भी है, तो इसमें डालेंगे हम अब बारीक कटी हरी धनिया। तो स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। एक प्लेट में हम निकाल देते हैं इसे। तो स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी थी। कलर इसलिए नहीं दिख रहा था स्टफिंग का कि लाइट चली गई थी, इसलिए कलर बिल्कुल नहीं दिख रहा था स्टफिंग का। कैसा है? इस तरह से हमारा स्टफिंग का कलर है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर हम रख देंगे। हल्का सा हाथ पे तेल लगाएंगे और टिक्कियों को हम छोटा छोटा आकार बनाकर रख देंगे ताकि इडली बनाने में कोई परेशानी ना हो। हम एक एक करके बनाते जाएंगे और साइड में इसे प्लेट में रखते जाएंगे। नमक मैंने इसमें डाल दिया था, मैंने आपको बताना भूल गया, नमक मैंने डाल दिया था। बहुत ही टेस्टी बनती है स्टफिंग इडली। एक बार इसे आप अपने किचन में ज़रूर बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो मैंने सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया है और मैंने इडली स्टैंड लिया है, मैंने उसके प्लेट निकाल लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर सारे खानों को ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने से हमारी इडलियाँ बिल्कुल चिपकती नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से वो निकल जाती हैं। ये हमारा इडली स्टैंड 24 इडलियों वाला है। 24 इडली एक बार में इसमें बनकर तैयार होती है। तो मैंने सभी को ग्रीस कर लिया है। अपना हम इडली का बैटर लेंगे और एक एक चम्मच हम सभी खानों में बैटर को डाल देंगे, क्योंकि हमें स्टफिंग भी डालनी है और ऊपर से फिर बैटर को डालना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। मैंने इसमें इनो वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी ये देखना बहुत ज़्यादा स्पंजी बनकर तैयार होंगी एकदम फुली फुली। तो ऊपर से हम रख देंगे अपनी आलू की टिक्की जो मैंने बनाई थी। और अब हम डालेंगे इडली का बैटर, इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे इस तरह से। स्टफिंग हमारी दिखनी नहीं चाहिए, इसी तरह से हम चारों तरफ से कवर कर देंगे।
अब इसी तरह हम सभी इडलियों में तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है इडली स्टैंड में, अब हम सभी को लगा देंगे। सभी खानों में मैंने इडली का बैटर बनकर तैयार कर लिया, तो इस तरह से हम एक एक करके लगा देंगे। अब मैंने गैस पे एक पतीला रखा, उसमें मैंने एक गिलास पानी डाल दिए हैं, एक गिलास पानी थोड़ा सा ज़्यादा। अब गर्म पानी में अपने इडली स्टैंड को हम रख देंगे और ऊपर से हम बोट लगा देंगे स्टैंड का। अब इसे हम 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे, इसे हम ढक देंगे। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे, बस 1 से 2 मिनट तक। इडली हमारी एकदम से फूल चुकी है। इस तरह की हम स्टिक लेंगे जो हम इस डाल के देखेंगे, अगर स्टिक में लगती है तो नहीं हुई, अगर नहीं लगी है तो हमारी इडली परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। तो इडली हमारी तैयार हो गई है, तो अभी हम इसे नहीं निकालेंगे क्योंकि बहुत गर्म है। हल्का सा हम इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसे बाहर निकालते हैं, गैस को हम बंद कर देते हैं। हमने इसे निकाल लिया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद हम आपको इडली सर्व करते हैं। तो इडली हमारी ठंडी हो चुकी है, मैंने प्लेट को भी अलग निकाल लिया स्टैंड से। तो अब हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। थोड़ा थोड़ा बैटर ही मैंने डाला था, पर कितनी स्पॉन्जी इडली बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे हम चम्मच की सहायता से किनारे घुमा घुमा कर ऐसे चारों तरफ से राउंड में निकाल लेंगे घुमा कर। ये देखिए, तो देखिए है ना कितनी इजी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी। अब इसे हम आपको कट करके दिखाते हैं। मैंने इसके साथ मूंगफली की चटनी और सांभर तैयार किया है। ये देखिए हमारी स्टफिंग इडली कितनी टेस्टी लग रही है देखने में, तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो इसी तरह से हम अपनी सारी इडली को निकाल लेंगे। इसी तरह हम चारों तरफ राउंड में घुमाएंगे। ये देखिए हम आपको सभी इडलियाँ को निकाल के दिखाते हैं। अब हम करेंगे इनकी प्लेटिंग। तो मैंने यहाँ पर सांभर को पहले से बनाकर तैयार किया था और मूंगफली की चटनी और इडली है हमारी, तो आप लोग भी इसे टेस्ट करिए। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो आप भी अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई करें
और अपने फैमिली के साथ इसे इंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।